नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मैं आलोक शुक्ला, आज आप सभी लोगों के लिए अभी कल जो था वो पुलिस स्मृति दिवस में है ना, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जो हमारे हैं उन्होंने घोषणा की है। घोषणा ये की है कि आपके लिए बहुत ही जो अच्छी खबर है, उत्तर प्रदेश जो कांस्टेबल की भर्ती है और SI में 829 पद उसके और 26,744 यानी कि लगभग 27,000 जो पद है उसका अधियाचन जा चुका है। एक लंबे अरसे से आपको UPP के इस कांस्टेबल के भर्ती की जो प्रतीक्षा थी वो अभी समाप्त हो रही है और आयोग किसी भी समय चुनाव के पहले पहले, क्योंकि जाहिर सी बात है एक बात क्लियर है कि चुनाव लगा हुआ है तो सरकार कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ेगी जिसमें उससे कुछ कमी रह जाए या उसे कोई फायदा ना हो, तो वो इस चुनाव के चक्कर में एटलीस्ट आपका विज्ञापन जरूर जारी कर देगी और विज्ञापन जारी कर देगी तो आपकी परीक्षा भी हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है अब जो चीज़ निश्चित हो चुकी है उसके लिए हमें पहले से ही तैयार रखना है और हमें अपनी तैयारी UPP के लिए, क्योंकि ये एक ऐसी वैकेंसी होती है, ये आपका पूरा है पेपर की कटिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि है ना उन्होंने क्या कहा और यहाँ पे लिखा है कि उपनिरीक्षक के 829 पदों व आरक्षी के 26,744 पद, ये वाली अगर आप लाइन देखो है ना तो यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है। तो इससे एक हमें जो संदेश ये मिल रहा है, हमें जो चीज़ें पहले से ही सजग हो जानी चाहिए और अपनी तैयारी इसी दिशा में आगे भी बढ़ानी चाहिए। टीम परीक्षा प्लस पहले की बात जितनी भी परीक्षाएं हैं बहुत ही कम बोल सकते हैं बहुत ही कम फीस में और बहुत ही सुचारू रूप से बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव वे में चीज़ों को चलाती है, ना ही कोई हो हल्ला ना ही कोई ऐसी चीज़ें, बहुत ही इत्मीनान से जो आपको चाहिए जो रणनीति के हिसाब से चलनी चाहिए जिसमें आपका सिलेक्शन श्योर हो। इससे पहले SI ASI तमाम सारे बैचेस बहुत ही सुचारू रूप से हुए और बहुत सारे बच्चे उससे सेटिस्फाइड भी हैं, वो बोलते हैं कि नहीं सर आप लोगों का तरीका बहुत अच्छा है। तो अभी हम लोग पूरी मेहनत इस वैकेंसी में UPP की वैकेंसी में झोंकने वाले हैं, इसलिए मैं आपके सामने यहाँ पे आया हूँ ताकि आपको बता दिया जाए जो हमारे बच्चे हैं या आपसे आप जुड़े आपके छोटे भाई कहीं ना कहीं एक जॉब की तलाश में है। देखिए ये जो वैकेंसी होती है एक ऐसी वैकेंसी होती है जो आपको 10th के बाद से ही मिल जाती है और बहुत ही कम एफर्ट में। लोग क्या होता है मैं आपको बहुत जेन्युइन बात बताता हूं, लोग आपको बहुत बड़ा बड़ा बता के कि 5 घंटे क्लास 6 घंटे क्लास ये कर लो वो कर लो तब जाके होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही मिनिमम एफर्ट में बस रणनीति आपके पास अच्छी होनी चाहिए, मटीरियल आपके पास बहुत कंसाइज होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, इतना अगर आपको आ गया तो बहुत ही इत्मीनान से ये जॉब मिल जाएगी। और ये कम उम्र में 18-19 साल के उम्र में ये जॉब आपके हाथ में, मतलब कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होता है क्योंकि एक तरफ आपके हाथ में पैसा आने लगता है, आपको सारी जो जरूरतें होती हैं वो आपकी फुलफिल हो जाती हैं, आपका दिमाग मैच्योर हो जाता है, शांत हो जाता है आपका दिमाग और आप आगे के जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो चाहे आपके किसी उच्च पद के लिए हों पढ़ाई में, चाहे आपका दरोगा बनना हो या फिर आपका ASI मिनिस्टीरियल में करना हो या फिर आपका कोई अन्य पुलिस से संबंधित या पुलिस से संबंधित नहीं PCS वगैरह जो भी आपके दिमाग में चल रहा होता है, सारे सपने को आप रियलाइज कर सकते हो जब आपका दिमाग शांत होता है। तो आपके अगर कोई छोटे भाई बहन है या आप हो जो वीडियो अगर आप देख रहे हो तो एकदम टीम आपके साथ पूरी मेहनत करने के लिए तैयार है। बस इतना समय बताने के लिए आया था कि अब समय आ गया है कि अपनी मेहनत एक सही दिशा में झोंक दी जाए और उम्र से पहले समय से पहले हम अपने आप को उस लड़ाई के लिए तैयार कर लें जो हमारे भविष्य को बहुत ही उज्ज्वल करने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि इससे संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो चाहे आपकी एलिजिबिलिटी की हो, तैयारी कैसी करनी चाहिए, रणनीति कैसी होनी चाहिए, किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना चाहिए, किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए और हमें पेपर में अपनी मैच्योरिटी कैसे रखनी चाहिए, इन सारी बातों का समय समय पे हम लोग जिक्र करते रहेंगे। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन आप लोग पुश कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।